दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। पार्सल ब्लास्ट घटनास्थल का जायजा लेकर लौटी एनआईए की टीम। दरभंगा में अंतर राज्य गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। टीकाकरण में दरभंगा सूबे में चौथे स्थान पर। भिरौल में वैक्सीन की कमी से बाधित हुआ टीकाकरण। दरभंगा जिले में लगातार हो रही कोरोना की जाँच। विधायक ने मंत्री से की पुल निर्माण की मांग। अब खबर विस्तार से। पार्सल ब्लास्ट घटनास्थल का जायजा लेकर लौटी एनआईए की टीम। दरभंगा जंक्शन पार्सल ब्लास्ट के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ने की बात सामने आने पर एसपीएन के तयागी के नेतृत्व में जांच को पहुंची एनआईए की 3 सदस्य टीम शनिवार की सुबह यहां से लौट गई। लौटने से पूर्व टीम ने घटना के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला। वही मामले की जांच कर सिकंदराबाद से लौटने जीआरपी प्रभारी हारून रशीद से आवश्यक जानकारी साझा की। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने सिकंदराबाद स्टेशन व वहां के पार्सल कार्यालय के फुटेज को गहनता से खंगाला। फुटेज के माध्यम से सिकंदराबाद में संदिग्धों की मौजूदगी को खंगाला गया। ब्लास्ट की तीव्रता को लेकर भी जीआरपी से जानकारी हासिल की गई। दरभंगा जंक्शन ब्लास्ट में एनआईए ने अपनी जानकारी और एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी। दरभंगा जंक्शन पर 17 जून को एक्टिव मोबाइल फोन में से कई नंबरों को कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एनआईए के राडर पर एक फोन नंबर मिला। ब्लास्ट के वक्त दरभंगा जंक्शन पर एक्टिव था। पार्सल ब्लास्ट में मोहम्मद सोफियान का नाम जाने के बाद जांच का दायरा कई राज्यों तक बढ़ गया है। दरभंगा में अंतर राज्य गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। बिशनपुर थाना क्षेत्र से ट्रक से लूटे गए सामान के साथ अंतर राज्य गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही लूटकांड में इस्तेमाल किए गए ट्रक, देसी कट्टा व 3 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह जानकारी शनिवार को एसएसपी बाबूराम ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसएसपी ने कहा कि गत 1 जून की रात अपराधियों ने मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट स्थित मैथी टोल प्लाजा के सामान लदे ट्रक को रोककर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ट्रक को लेकर बिशनपुर थाने की ढिलाई गांव स्थित नवनी मृत पेट्रोल पंप के पास सुनसान जगह पर पहुंचे। उन्होंने ट्रक पर लदे सामान को दूसरे ट्रक में रख दिया। उत्तर ट्रक को पूर्णिया जिले के गुलाब बाग एवं कटिहार जिले के सीमापुर में छुपाकर रखा गया। ट्रक के सामान उतारकर उसकी बिक्री की जा रही थी। यह सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के सहयोग से गुलाब बाग से 29 कार्टून एवं सीमापुर से 73 कार्टन बॉर्नविटा एवं 2,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि इस संबंध में गत 6 जून को बिशनपुर थाने में लूट की प्राथमिक दर्ज की गई थी। इसके बाद संबंधित थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों ने वादे की बताए गए अनुसार जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया। इससे अपराधियों द्वारा उपयोग किए गए वाहन की पहचान हुई। अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी टीम को 25 जून को सूचना मिली कि बिशनपुर थाने के उखड़ा के पास लंबे समय के सामान लदा एक ट्रक खड़ा है। इसके बाद बिशनपुर थाने की पुलिस ने छापामारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट में इस्तेमाल किए गए डीसीएस ट्रक को जब्त कर लिया। टीकाकरण में दरभंगा सूबे में 4th स्थान पर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में किए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति में कोविन पोर्टल पर दर्ज प्रविष्ट के अनुसार दरभंगा जिले पूरे बिहार में 4th पायदान पर पहुंच गया है। पोर्टल दर्ज प्रविष्ट के अनुसार पटना जिले ने 15,17,915 लोगों का, पूर्वी चंपारण ने 6,76,985 लोगों का, सारण जिले ने कुल 6,58,316 लोगों का एवं दरभंगा जिले ने 6,27,717 लोगों का टीकाकरण किया है। दरभंगा जिले में तेजी से किए जा रहे टीकाकरण में डीएम डॉक्टर तैयाग राजन एसएम डॉक्टर द्वारा जिला व प्रखंड स्तर पर निरंतर टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं सभी वर्गों, संगठनों, धार्मिक समुदायों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग रहा है। भिरौल में वैक्सीन की कमी से बाधित हुआ टीकाकरण। वैक्सीन के अभाव में प्रखंड में टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है। सीएचसी में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने से शुक्रवार को भी अनुमंडल क्षेत्र में टीकाकरण प्रभावित रहा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से टीका लेने पहुंचे लोगों को बगैर टीका लिए ही वापस होना पड़ा।
सीएचसी के अस्थायी टीकाकरण सेंटर मध्य विद्यालय सुपौल पहुंचे दर्जनों लोगों ने बताया कि सभी को टीका देने की सूचना मिली थी। टीका लेने के लिए जब केंद्र पर आए तो कर्मियों ने टीका नहीं रहने की बात कहकर लौटा दिया। अब पता नहीं कब टीका मिलेगा। लदहों से इंद्र कुमार शाह, मंदिर घाट की रानी देवी एवं बस स्टैंड की रूना देवी ने बताया कि आधार कार्ड लेकर वैक्सीन लेने पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीन नहीं दिया गया। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर फूल कुमार मिश्र ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने से टीकाकरण प्रभावित हुआ है। वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। दरभंगा जिले में लगातार हो रही कोरोना की जांच। जिले में कोरोना की लहर कमजोर पड़ने और टीकाकरण का अभियान तेज होने के बावजूद जांच की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी है। जिला मुख्यालय समेत प्रखंडों में भी निर्धारित केंद्रों पर पूर्व की भांति ही कोरोना की जांच हो रही है। हालांकि अब अधिकतर जगहों पर जांच के दौरान पॉजिटिव मरीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है। विधायक ने मंत्री से की पुल निर्माण की मांग। हायाघाट विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने हायाघाट प्रखंड के सहोड़ा आनंदपुर चनखेरिया से साधोपुर बांसडी पथ में करेर नदी पर पुल निर्माण के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से पटना में मुलाकात की। विधायक ने उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया व ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि सहोड़ा आनंदपुर चनखेरिया से साधोपुर बांसडी पथ में करेर नदी पर पुल नहीं होने से इस पथ की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। इस क्षेत्र के लोगों को नदी के उस पार जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इससे वहां के लोग परेशान रहते हैं। इस पुल का निर्माण हो जाने से लोगों को समय और दूरी की बचत होगी, लोगों को बेगूसराय जाने में भी सुविधा होगी। मंत्री ने विधायक को उक्त पुल निर्माण जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।